कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सभी साइंस का फर्स्ट लेसन रीड करेंगे। फर्स्ट लेसन का नेम है व्हाट मेक्स लिविंग थिंग्स डिफरेंट। ऐसा क्या है जो सजीव वस्तुओं को अलग बनाता है? यू विल लर्न। इस लेसन में हम क्या क्या सीखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुओं का चरित्रण, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में। देखते हैं, यहाँ थिंग्स लिखा है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। थिंग्स मीन्स होती हैं वस्तुएं, लिविंग मीन्स सजीव, नॉन लिविंग मीन्स निर्जीव। अब ये दिया गया है क्लाउड बना है, तो क्लाउड लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स? क्लाउड होता है नॉन लिविंग थिंग्स, तो ये लिविंग थिंग्स पे कट कर देंगे और नॉन लिविंग पे राइट कर देंगे। ये कैट है, तो कैट लिविंग होती है या नॉन लिविंग? कैट होती है लिविंग, और तो नॉन लिविंग पे कट कर देंगे। ऐसे ही आपको वर्क करना है, ऐसे ही आपको ये वाला भी वर्क करना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द वर्ल्ड इन विच वी लिव इन वेरी ब्यूटीफुल। जिस संसार में हम रहते हैं वह बहुत सुंदर है। इट इज़ फुल ऑफ सो मैनी थिंग्स विच मेक इट ब्यूटीफुल। यह बहुत सी वस्तुओं से भरा है जिसे यह बहुत सुंदर बनाता है। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस लाइक पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड, माउंटेन्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, टॉयज, कंप्यूटर, बुक, टेबल्स, चेयर्स, कार्स एंड सो मैनी अदर्स थिंग। हम अपने चारों ओर बहुत सी वस्तुओं को देखते हैं। लाइक मीन जैसे, पीपल मीन्स लोग, एनिमल्स मीन्स जानवर, प्लांट्स मीन्स पौधों को, बर्ड्स मीन्स चिड़ियों को, माउंटेन्स मीन्स पर्वतों को, स्ट्रीम मीन्स झरनों को, रिवर मीन्स नदियों को, टॉयज मीन्स खिलौनों को, कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर, बुक्स मीन्स किताबों को, टेबल्स मीन्स मेजों को, चेयर्स मीन्स कुर्सियों को, कार्स मीन्स कारों को, और बहुत सी दूसरी वस्तुएं देखते हैं। द लिस्ट इज एंडलेस। इसकी जो सूची है वो अनंत है। डू यू थिंक ऑल दीज थिंग्स आर अलाइव? क्या आप सोचते हो कि जो सभी वस्तुएं हैं वो सजीव हैं? ऑफ कोर्स, वास्तव में, नॉट, नहीं। सम थिंग्स हैव लाइफ। कुछ वस्तुएं जीवन रखती हैं। वाइल सम डू नॉट, जबकि कुछ जीवन नहीं रखती हैं। सम कैन मूव ऑन देयर ओन। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो स्वयं गति कर सकती हैं। वाइल सम कैन नॉट, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो स्वयं गति नहीं कर सकती हैं। सम नीड फूड एंड वाटर। कुछ वस्तुओं को भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। वाइल सम डू नॉट, जबकि कुछ वस्तुओं को नहीं होती है। सम आर लिविंग। कुछ सजीव वस्तुएं होती हैं। वाइल सम आर नॉन लिविंग, जबकि कुछ निर्जीव होती हैं। थिंग्स दैट हैव लाइफ एंड ईट, ब्रीथ, ग्रो, मूव एंड रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। ऐसी वस्तुएं जो जीवन रखती हैं, खा सकती हैं, ब्रीथ मीन्स सांस ले सकती हैं, ग्रो मीन्स बढ़ सकती हैं, मूव मीन्स गति कर सकती हैं, एंड मीन्स और रिप्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न कर सकती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम सजीव वस्तुएं कहते हैं। ह्यूमन बींग्स मीन्स होता है मानव जाति, प्लांट्स मीन्स पौधे, एंड मीन्स और, एनिमल्स मीन्स जानवर, आर मीन्स हैं ऑल लिविंग थिंग्स मीन्स सभी सजीव वस्तुएं। जो मानव जाति हैं, पौधे हैं और जानवर, वो सभी सजीव वस्तुएं हैं। थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ एंड डू नॉट ईट, ब्रीथ, ग्रो, मूव एंड रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग। ऐसी वस्तुएं जो ना तो जीवन रखती हैं, ना खा सकती हैं, ना सांस ले सकती हैं, ना बढ़ सकती हैं, ना गति कर सकती हैं, ना ही उत्पन्न कर सकती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स निर्जीव वस्तुएं। दिस बुक, यह किताब, पेंसिल, टेबल मीन्स मेज, चेयर मीन्स कुर्सी, वाटर मीन्स पानी, एंड मीन्स और, हाउस मीन्स घर, आर मीन्स हैं ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, ये सभी निर्जीव वस्तुएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुओं का चरित्रण। लिविंग थिंग्स हैव लाइफ, सजीव वस्तुएं जीवन रखती हैं। दे ग्रो, वे बढ़ सकती हैं। ब्रीथ, सांस ले सकती हैं। मूव, गति कर सकती हैं। फील, महसूस कर सकती हैं। रिप्रोड्यूस, उत्पन्न कर सकती हैं। एंड मीन्स और, उन्हें नीड फूड, भोजन की आवश्यकता होती है, और पानी की, टू स्टे अलाइव, जीवित करने रहने के लिए उन्हें भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। ह्यूमन बींग्स मीन्स मानव जाति, प्लांट्स मीन्स पौधे, एनिमल्स मीन्स जानवर, बर्ड्स मीन्स चिड़िया, इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े, एंड मीन्स और, रेप्टाइल्स मीन्स रेंगने वाले जीव जंतु, आर मीन्स हैं लिविंग थिंग्स मीन्स सजीव वस्तुएं। देयर आर मैनी फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स
विच मेक दैम डिफरेंट फ्राम नॉन लिविंग थिंग्स। बहुत से ऐसे कारक हैं जो सजीव वस्तुओं को निर्जीव वस्तुओं से अलग बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, उसे हम सजीव वस्तुओं का चरित्रण कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट प्रोसेस दीज कैरेक्टर स्केच, निर्जीव वस्तुएं इस चरित्रण को नहीं रखती हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स मेक लिविंग थिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, यही चरित्रण सजीव वस्तुओं को निर्जीव वस्तुओं से अलग बनाता है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स मीन्स होती है सजीव वस्तुएं, ब्रीथ मीन्स सांस लेना। सजीव वस्तुएं होती हैं वो सांस ले सकती हैं। होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 मिनट, अपनी सांस को 5 मिनट के लिए रोकिए। कैन यू डू सो, क्या आप ऐसा कर सकते हो? नो, नहीं। यू कैन नॉट होल्ड, आप इसे नहीं थाम सकते। इट इवन फॉर अ सिंगल मिनट, एक भी मिनट के लिए आप सांस को नहीं रोक सकते। हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस कर रहे हो? यू फील रेस्टलेस एंड अनकम्फर्टेबल, आप कैसा महसूस करोगे जब आप अपनी सांस को रोक के रखोगे? रेस्टलेस, रेस्टलेस मीन्स होता है व्याकुल या बेचैनी से होने लगेगी। एंड अनकम्फर्टेबल, और हमें असुविधाजनक, अनकम्फर्टेबल मीन्स होता है असुविधाजनक, हमें घबराहट सी होने लगती है अगर हम अपनी सांस को रोक के रखते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आए तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।